हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना मेथी और आम का अचार। तो जो लोग मीठा अचार खाना नहीं पसंद करते हैं तो ये अचार वो लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये अचार है वो थोड़ा सा तीखा आता है और एकदम मसालेदार आता है। तो जो लोग डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं वो लोग भी आराम से अचार को खा सकते हैं। अचार बनाना बहुत ही आसान है और इस अचार को बना के आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम एकदम चटपटा और एकदम हेल्दी अचार बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे कच्चे चने। अचार बनाने के लिए आपको चने हैं वो कुछ इस तरीके से लेने हैं, देसी। तो देसी चने हैं, 2 कलर में आते हैं, थोड़े से ऐसे लाइट कलर के भी आते हैं और थोड़े से इससे थोड़े डार्क कलर के भी आते हैं। तो आपके पास जो भी चने हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, चने आपको देसी ही लेने हैं। आप जो काबुली चने आते हैं या फिर थोड़े से जो मोटे चने आते हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो चने हमने 1 कप लिए हैं और ये वज़न में 150 ग्राम जितने हैं। और उसी कप से हमने आधा कप मेथी दाना लिया है। तो मेथी दाना भी आपको अच्छे से साफ़ करके और जो मोटे मोटे दाने आते हैं वो लेने हैं। तो चने से हमने मेथी दाना है वो आधी क्वांटिटी में लिया है। उसके साथ ही हम लेंगे कच्चा आम। तो मैंने यहाँ पे 2 आम लिए हैं, वज़न में ये 600 ग्राम जितने हैं। तो आपको आम की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम ही आम का यूज़ किया है, क्योंकि हम मेथी और चना को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखने वाले हैं। तो इस अचार में आप जो आम है वो 1 किलो तक ले सकते हैं। अब हमें आम को काटेंगे इस तरीके से। तो हमें गोटली हटा के आम को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो जैसे हम सब्जी बनाने के लिए काटते हैं बस वैसे ही हमें आम को काट के तैयार कर लेना है। तो हम जो आम का अचार बनाते हैं उसमें थोड़े से टुकड़े हैं वो बड़े रखते हैं, लेकिन इस अचार में हमें आम के टुकड़ों को इस तरीके से थोड़ा सा छोटा छोटा रखना है। तो सारे ही आम को हमने काट के तैयार कर लिया है। तो तीनों ही चीज़ों हमने तैयार करके रख ली है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो आम को काट के रखा है उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही हमें नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्दी और नमक को। तो ऐसे करके आप अच्छे से मिक्स करके उसको साइड पे रखें। और हमने जो चना और मेथी लिया है उन दोनों को हमें एक एक बार पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेथी और चना को पानी डाल के एक एक बार अच्छे से धो लिया है। फिर उसके बाद मैंने फिर से पानी डाल के अच्छे से रख लिया है। तो हमें मेथी और चना है वो अच्छे से पानी में डूबे रहे उतना पानी भर देना है, क्योंकि ये फूलेंगे तो इनको स्पेस भी मिलना चाहिए और पानी भी हमारा अच्छे से रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमें तीनों ही चीज़ों को तैयार करके रखना है। इन तीनों ही चीज़ों को हमें तब तक रखना है जब तक कि मेथी और चना है वो अच्छे से फूल के सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। तो 6 से 7 घंटे के लिए हमने रख लिया था और आप देख सकते हैं कि हमारा जो आम था उसमें से अच्छे से हल्दी नमक वाला पानी भी छूट गया है और ये जो मेथी दाना और चना है वो भी अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि मेथी और चना है वो अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं है। तो इस तरीके से थोड़े से दाने हाथ में लेके आप इस तरीके से प्रेस करके देखेंगे तो ये चना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। और सेम तरीके से हमारी जो मेथी है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस तीनों ही चीज़ों को हमें पहले इस तरीके से करके तैयार कर लेना है। उसके बाद जो चने और मेथी में पानी है वो पानी हमें हटा देना है और चना और मेथी को एकदम ड्राई कर लेना है। और जो आम के टुकड़ों में पानी थोड़ा सा निकला है वो पानी भी हमें अलग से रखना है। तो उस पानी को अभी हमें फेंकना नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि टुकड़ों को एक प्लेट में रख देंगे और जो है आम के टुकड़ों में से हल्दी नमक वाला जो खट्टा पानी निकला है उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। हमने जो चनों भिगो के रखे थे उन चनों में हमें ये पानी डाल देना है। तो अब आप कहेंगे कि ये पानी तो बहुत ही कम है, तो मेरे पास यहाँ पे आम का अचार बनाया था तो उसी में से ये पानी निकला था। सेम वैसा ही हल्दी नमक वाला खट्टा पानी है तो वो मैं डाल रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऐसे पानी ना हो एक्स्ट्रा तो आप क्या करें कि जो पानी हमने डाला है वो थोड़ा कम हो तो आप सादा पानी डाल के भी ऐसे चने डूबे रहे तब इतना पानी डाल के आपको रखना है। तो अब हमें चने को इस पानी के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। तब तक हम आम के टुकड़े और जो मेथी दाने के टुकड़े हैं उनको एक प्लेट में रखेंगे ताकि वो सूखे, लेकिन हाँ, ज़्यादा ना सूखे उस तरीके से। ऐसे करने से फ्रेंड्स क्या होगा कि चने के अंदर जो खट्टा पानी का फ्लेवर है वो जाएगा तो हमारा अचार है वो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। और थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ा सा पेशेंस का काम है तो आप इस तरीके से इस अचार को बनाएंगे तो आपका अचार अच्छे से टेस्टी तो बनेगा ही, साथ में ये पूरे साल तक ख़राब नहीं होगा। तो चलिए ऐसे करके हम इसको छोड़ देते हैं 3 घंटे के लिए।
3 घंटे के बाद मैं चनों को भी ऐसे ही सूखा के तैयार कर लूँगी। तो 3 घंटे बाद का वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे मैंने मेथी दाना और आम को अच्छे से सूखा लिया है और 3 घंटे के बाद मैंने चनों को भी इस तरीके से प्लेट में रख के सूखा लिया था। तो इनको मैंने पंखे के नीचे सुखाया था और चनों को सूखने में बहुत ही कम टाइम लगता है तो इस वजह से ये सूख के तैयार हो गए हैं। तो तीनों ही चीज़ों को हमें ऐसे ही सूखा लेना है, ज़रा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगे कि मेथी दाने और आम के टुकड़ों में या फिर चने में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो आप क्या करें, एक कपड़ा ले लें और उसके अंदर सारी चीज़ों को ऐसे रख दें और 1 से 2 घंटे के लिए और आप पंखे के नीचे इनको सुखा सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा आम के टुकड़ों में मॉइस्चर लगा था तो मुझे लगा कि मैं इस तरीके से कपड़े में थोड़ा सुखा लेती हूँ, क्योंकि हमें इस अचार को अच्छे से बनाना है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, तब भी हमारा ये अचार है वो पूरे साल तक ऐसा बना रहेगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर अचार है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो 1 से 2 घंटे के लिए हम इस तरीके से कपड़े में सुखा लेते हैं। चना मेथी और आम के टुकड़ों को सुखाए हुए 2 घंटे जितना टाइम हो गया है और ये सारी चीज़ें अच्छे से सूख के एकदम ड्राई हो गई है। ऐसे आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो बस इसी तरीके से एकदम ड्राई कर लेना है तीनों ही चीज़ों को और फिर अब हम अचार बनाएंगे। तो चलिए हम सारी चीज़ों को पहले एक भगोनी के अंदर ले लेते हैं, फिर हम लास्ट में सारे ही मसाले करेंगे। तो आधी चम्मच ही हम यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर क्योंकि हल्दी पाउडर हमने पहले से ही डाला हुआ है, 1/4 चम्मच ही हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच ही हम नमक डालेंगे। अब हम 2 कप के बराबर इसमें अचार मसाला डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड अचार मसाला आता है वो लिया है, लेकिन आप घर पे बनाना चाहते हैं तो मेथी और राई को पीस के घर पे बना के भी ये अचार बना सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके का अचार मसाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो सब्जियों में मसाले डालते हैं उस मसाले भी डाल के आप इस अचार को बना सकते हैं। अब हम 150 से 200 ग्राम जितना सरसों का तेल डालेंगे। तो आप सरसों के तेल में अचार को बनाना चाहते हैं तो सरसों का तेल ले सकते हैं, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं। तेल और सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे मिक्स करके हम 2 दिन के लिए इसी भगोनी में इस अचार को रखेंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो 2 दिन के बाद ये अचार कैसा बन के तैयार होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें अचार को रखे हुए 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो चना मेथी और आम का अचार है वो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बस ऐसे ही ये अचार बन के तैयार होता है। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा तेल है वो कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला है, क्योंकि अचार में हमें तेल इतना डालना है कि अचार थोड़ा सा इस तरीके से तेल के अंदर रहे। तो ऐसे हम तेल डालेंगे तो हमारा अचार है साल भर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपको तेल कम लगे तो आप इस तरीके से अचार में थोड़ा तेल ज़्यादा डाल के अचार को पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं। और इसको आप कांच की बर्नी में भर के रखें या फिर चिनाई माटी की जो अचार बनने की बर्नी आती है उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अचार कितना बढ़िया बना है। तो बस आप भी ऐसे ही इस अचार को बना के ज़रूर से ट्राई करना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।